लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं वहां चुनावी शोर भी खूब सुनाई दे रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के अंदर कुछ सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। यूपी में बीजेपी के साथ आरएलडी, सुभाषपा और अपना दल एस का गठबंधन है। आरएलडी सुभाषपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी ये तो साफ हो गया है, लेकिन 2019 में दो सीटों पर लड़ने वाली अपना दल एस ने अभी तक अपनी सीटों पर प्रत्याशियों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, इसलिए इस तरह की अफवाहों को और बल मिल रहा है। अपना दल एस और बीजेपी में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। फिलहाल क्या है पूरा माजरा, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। पहले चरण की सीटों पर पक्ष और विपक्ष के प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है, तो वहीं विंध्य क्षेत्र की सीटों पर एनडीए गठबंधन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसी सीटों की फेहरिस्त में भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसी वीवीआईपी सीट शामिल है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर और सोनभद्र सीट पर अपना दल एस ने चुनाव लड़ा था। साल 2024 लोकसभा चुनाव में अभी तक दोनों दलों की ओर से सीटों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अपना दल एस से सांसद अनुप्रिया पटेल और उनके पति कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल दोनों लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अपना दल एस ने एक भी सीट से दावेदार नहीं उतारे हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में दो सीटों पर लड़ने वाली अपना दल एस की 2024 में महत्वाकांक्षा ज्यादा है। सूत्रों की माने तो अपना दल एस की तरफ से चार सीटें भाजपा से मांगी गई हैं। भाजपा दो सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। अपना दल एस और भाजपा में अभी तक सीटों का सामंजस्य नहीं बन सका है। यही वजह है कि मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र सीट से मामला फंसा हुआ है। अपना दल एस की तरफ से सीट बढ़ाने की मांग के बाद बीजेपी ने भदोही को होल्ड पर रखा है। सूत्रों की माने तो भदोही को होल्ड पर रखने की बड़ी वजह अपना दल एस है। अपना दल एस प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में कुनबा बढ़ाने के लिए और एनडीए में अन्य घटक दलों से अधिक सीटों पर लड़ने के लिए अपना दल एस ने जो दबाव बनाया है उससे अभी तक भदोही का मामला फंसा हुआ है। भदोही में निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद, राजेश मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा और रविंद्रनाथ त्रिपाठी जैसे धुरंधर टिकट के लिए मैदान में हैं। 2014 और 2019 में चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने के लिए बेताब अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाने का ऐलान नहीं किया है। दमखम के साथ प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं को अभी भावी प्रत्याशी के तौर पर काम चलाना पड़ रहा है। मिर्जापुर को गढ़ बना चुकी अनुप्रिया पटेल एनडीए से सीटों को हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही हैं। झंडी मिलते ही अपना दल एस अपने पत्ते खोल देगी। 2019 में अपना दल एस के खाते में सोनभद्र सीट जाने के बाद पकौड़ी लाल कोल सांसद बनी। सांसद बनने के बाद अपने बयानबाजी से सुर्खियों में आए। पकौड़ी लाल कोल का टिकट इस बार कट सकता है। दूसरी ओर भाजपा के कई दिग्गज नेता अपनी पार्टी की ओर से सीट पर दावा कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अपना दल एस फिर से चुनाव लड़ेगी या ये सीट बीजेपी की झोली में वापस चली जाएगी। सोनभद्र सीट से मिर्जापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया और अपना दल एस से पकौड़ी लाल कोल के बेटे जग प्रकाश कोल का नाम आगे है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।